मायनों सभी अच्छे होंगे। और गाइस आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह का वक्त हो रहा है। गाइस आज तो सुबह सुबह बारिश पड़गी, 6:30 से 8 बजे की बारिश बता रही थी, लेकिन पड़गी। अब तो जो कुछ पड़ना है हल्की हल्की पड़ी है, और अभी हम तो जाएंगे काम पर ही क्योंकि हल्की हल्की बारिश पड़ी है। जो कल आलू का काम करा था मोटा मोटा भर दिया था गाइस हमने, बीज और जैया के आलू रह रहे हैं। तो हल्का हल्का मौसम देखो ऐसा हो रहा है, ये गाइस देखो हल्का हल्का मौसम हो रहा है, लेकिन खुला खुला सा इधर से लग रहा, खुला खुला इधर से लग रहा, ज़्यादा खुला खुला सा। हमने तो चूल्हे पर ना झीना भर दिया और बारिश आ गई, हमारे चूल्हे पर सब्जी बननी है कढ़ाई में। ओए होए, और देखो ये बारिश से भीज के ऐसा हो गया इधर। सुबह सुबह मेहमान आ गए, सुबह सुबह 5 बजे से मेहमान आ गए, 5 बजे से जगह पड़े, चाय वाय बनाई और काम वाम कराए। तो आज तो सब्जी वब्जी हमने ही बना, देखो इसमें बननी है आलू बैंगन की सब्जी, ये रही धनिया लेने के लिए। और देखो रामकली को, रामकली का दूध कट गया था, अरे रामकली का दूध ना 5 बजे कट गया, 5 बजे सैंपल भी बढ़िया, 65 रुपये सैंपल बहुत बढ़िया इसका। तो गाइस चलो बाहर को देखते हैं मौसम है बाहर। सॉरी नफरियात निकल आई हैं, ठेकेदारी के यहाँ पहुँच गया। आप सोचते होगे गाइस के हम फ़ोन लेके क्यों नहीं जाते, आपको बता दें फ़ोन लेके क्यों नहीं जाते, क्योंकि किसान लोग हैं। तो इस वजह से हम ना एक दिन लेके जाएंगे फ़ोन, आलू की खुदाई जो कैसे होती है वो तो आपको खैर दिखाएंगे, लेकिन वो है ना सब एक दूसरे कहते रहते काम करेगी या फ़ोन वीडियो बनाएगी। तो इस वजह से गाइस लेके जाते हैं हम बाहर, अब घर जा रहे हैं, हमारा टिफिन पैक करना है, अपना लंच पैक करते हैं चल के। और गाइस बाहर का मौसम तो देखो घटा हो रही है, लेकिन जब भी आज हमें काम पर जाना पड़ेगा गाइस तो चल रहे हैं। और ये देखो गाइस इधर मौसम ऐसा हो रहा है, इधर ये हो रहा है दोपहर का वक्त, दोपहर के बज रहे हैं 2:30 बजे। आप मौसम देखो कैसा हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं दिन के, देख सकते हो आप मौसम कैसा हो रहा है। सो गाइस ये पेड़ है हमारा, यहाँ पे ये खड़े हैं, आपको रोज दिखाती हूँ मैं ब्लॉग में। ये देखे मम्मी घास ले आई थी, यहाँ पे हमारी मशीन है। सो गाइस हमने आपको मौसम तो दिखा दिया है, हम गए थे आलू लेने, गई थी मैं आलू चुगना जो खेत में खोदते हैं, फिर जो बचता है हम उन्हें चुक कर लाते हैं। देखो ये रखे, ये इतने सारे आलू हम चुक कर लाए हैं। और आपको तो पता ही है गाइस सवेरे को आलू चली जाती है, वो आती है शाम को 6 बजे, इतना वो आती है इतना हम ब्लॉग उसका मना लेते हैं बढ़िया बढ़िया करके, फिर वो आकर वो मनाती है, सवेरे को स्टार्ट करके जाती है, फिर दोपहर से हम मनाते हैं। आज निकेश का फ़ोन ही है, निकेश ने मुझे ब्लॉग बनाने को दिया नहीं, पूरे दिन का मनाती हूँ नहीं तो मैं ब्लॉग, अब मैंने इस टाइम से 2:30 बजे से स्टार्ट कर दिया ब्लॉग मनाना। आपको तो पता ही आलू लाते हैं यार, धूल मिट्टी धूल भर जाती है, हमने आकर सिर धोया था, सिर धोकर नहाई थी मैं, नहाकर सो गाइस देखो हमने आज साड़ी लगाई थी, जो छोटी छोटी तो मेरी आँख आपको दिख रहा ना होगा, आपको देखो ये हमने साड़ी लगाई थी, और जो तिलक लगाया था, जो साई गाइस जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी है ना, जरूर तिलक जरूर लगाना चाहिए। मैं रोज नहा धोकर लड्डू गोपाल जी का तिलक लगाती हूँ। आप सोच रहे होंगे इनके लड्डू गोपाल को बैठ कैसे कहाँ पर बिठाते हैं, कहाँ पर उन्हें सही से सेवा करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अब गाइस ये लड्डू गोपाल जी तो मैंने सवेरे नहवा दिए थे, उठ के 6 बजे ये वाले लड्डू गोपाल भी दोनों को मैंने नहवा दिया था। देखो वहाँ पे हम इन्हें लुटाते होंगे, इनका बैड है जो हमने वीडियो में दिखाया था। सो गाइस ये लड्डू गोपाल जी का छोटा वाला बैड है, यहाँ पर देख सकते हो आप ना इनकी अलमारियाँ कपड़े इनकी, यहाँ पर गर्म कपड़े की, यहाँ पर वैसे कपड़े की, और ये रखे, और ये इनके छोटे वाले का झूला है, यहाँ पर ये बैठे हैं आराम से। सो खाने में ब्लॉग में अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, इतना कुछ और सोचते हैं काय का ब्लॉग मनाते हैं, ठीक है। सो गाइस देखो झाड़ू लगा देते हैं हम, यहाँ पे चौक में झाड़ू लगाएंगे, अब अंदर से तो झाड़ू लग रही है। निकेश अपनी वीडियो बना रहा है शॉर्ट चैनल की, उसके चैनल का नाम है द क्रॉप, तो हम झाड़ू झाड़ पर जल्दी से लगा देते हैं, अंदर से तो लगी रही है। मेरे को भी सिखाते हैं जब भी इसकी धूल मिट्टी हो जाती है। सो गाइस देखो ये बर्तन भी है यहाँ पे, इन्हें भी मांजूंगी मैं ही, झाड़ू लगा कर फिर इन बर्तनों को साफ करना है जल्दी से। मम्मी गई है बाहर निहार लेना, लगा देते हैं झाड़ू। हमने लगा चुकी है, देखो हमने हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, देखो ये लगा दी हमने झाड़ू, यहाँ पे भी लगा दी, अंदर से लगा देती है। अब मां जी के हम बर्तन दिखाएंगे आपको,
जब बर्तन मांजूंगी मैं बर्तन दिखाऊंगी आपको। मांज रहे हैं बर्तन, देखो हम जल्दी से घर पर बर्तन मांज देते हैं। अब नहीं तो बहुत सारे बर्तन मांजते हैं, इतने बर्तन दिख रहे हैं आपको क्योंकि सवेरे मांज दिए थे मम्मी ने। एक बार हम चले गए साफ कर दिए, ये बाल्टी साफ कर दी, पापा दूध काटते हैं सांझ को, ये रखे बर्तन, ये रहे नीचे वाले हमारे आलू है ना, इन आलू को हम छाटेंगे जो कटे पिटे में एक माई रख देंगे, जो सावत है ना उन तसले में भर देंगे, मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। और राम कली को देखो ना ये भर रहे हैं पापा, पापा न्यार भर रहे हो? हाँ न्यार कर रहे हैं, न्यार भर रहे हैं, मतलब तू क्या कर रही है? अच्छा न्यार भर रहे हो, बथुआरी से ना, बथुआरी से ना मम्मी वाले न्यार लेकर आई थी अभी, रामकली तो यू खा रही है न्यार जो अभी गेरा है पापा ने, अरे यूरा ऐसे भी रख दो तो क्या कैसे कर रहा मिठू, तसले में रख दिए हैं वो क्लिप डिल्ट हो गई थी, अब मैंने दोबारा बना दी, देखो ये रही है पापा मम्मी, अरे ये बालक खेल रहे हैं, देखो कैसे खेलते हैं बच्चे, गेर दिया भाई गेर दिया गेर दिया ओ गेर दिया गेर दिया गेर दिया तो गेर दिया हरा हरिया घसरा दी सब सही है। सो गाइस